हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। यस्टरडे वी वॉज रीडिंग लेसन नंबर 4, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। सो लेट्स कंटिन्यू द लेसन। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस। तो उसी गांव में जो थे बहुत बुरा एक आदमी रहता था, बहुत ख़राब था वो, और उसकी एक वाइफ थी जो कि डॉग्स को जो उनके पास आते थे उसको गालियां देते थे और उनको किक करके वहाँ से भगा देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। तो जब इन्होंने सुना उसके बारे में कि उस डॉग ने अपने जो मालिक है उसके लिए, अपने ऑनर के लिए उसने वेल्थ को खोज कर उनको दिया है, तो उन्होंने उस डॉग को अपने पास बुलाया, उसको फिश दी और उसको जो अच्छा अच्छा चीज़ें दी खाने के लिए, और वो ये सोच रहे थे कि शायद वो डॉग जो है इनको भी ऐसे ही कोई खजाना ढूंढ कर देगा। बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मोर। लेकिन क्योंकि वो डॉग उनसे बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, बहुत ज़्यादा वो उस डॉग्स को मारते थे और अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, तो उस डॉग ने ना तो कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। Then they dragged him out of the door, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो फिर वो जो है उस डॉग को वहाँ दरवाजे के पास ले गए, उनके पास जो थी उन्होंने जो अपने साथ वो कुल्हाड़ी वगैरह ली हुई थी, और जैसे ही वो डॉग पाइन ट्री के पास गया और वहाँ पर वो अपने पाँव से स्क्रैच करने लगा, तो वो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है खजाना छिपा हुआ है इस जगह पर। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एंड ही डांस विद जॉय। तो वो जो लालची आदमी था उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी से मुझे कुल्हाड़ी वगैरह दे दो, और वो जो है खुशी से वहाँ पर डांस करने लगा। देन द कोर्टियस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विद द हो बिगेन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शेड देयर नोजेस। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हैड एंड विद द शार्प होय दे फ्लंग हिम इन टू द होल एंड हीव्ड द अर्थ ओवर हिज कार्केस। तो जब उस डॉग ने वहाँ पर स्क्रैच करना शुरू किया अपने पाँव से, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है खजाना छिपा हुआ है, और उन्होंने कुल्हाड़ी से वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर खजाना है। तो जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई की खुदाल से, तो वहाँ पर क्या था, एक डेड किटन था, एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ था जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली और उन्हें जो है उस आदमी को, बूढ़े आदमी को, उस डॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसको इतना मारा, डॉग को इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया। और उसकी वाइफ ने तो जो था उसका सर को काट दिया, और फिर जो था उन्होंने उसको वहाँ पे गड्ढा खोदा और वहीं पर उसको दबा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। तो जो ओनर था उस डॉग का, जो वो फार्मर था पूरा, उसने जब उस अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना कि उसके जो डॉग है उसको ऐसे वो मर गया है, तो वो जो है उसके शोक प्रकट करने के लिए उसकी वहाँ पर गया, पाइन ट्री के पास गया, और उसके वहाँ पर जाकर वो उसके पेड़ के नीचे बैठा और वो उसको ऐसे ही प्यार करता था जैसे कि वो अपना उसका बच्चा हो।
he set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his bed, calling him my many dear names as if he were alive. तो वो वहाँ पर उसने बैम्बू के कुछ ट्यूब्स वगैरह लगाई जिससे कि उसमें फ्लावर्स रखे जा सकें, वो क्योंकि उसको डॉग को इतना ज़्यादा प्यार करता था जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो, तो ऐसे ही उसके पास वहाँ शोक प्रकट कर रहा था, तो इसीलिए उसने वहाँ पर कुछ फ्लावर्स लगाए और कप में उस पानी रखा और खाने की कुछ चीज़ें रखी उसकी जो कब्र थी उसके ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसको उसके नाम से बुला रहा था, बहुत वो परेशान हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो डॉग है वो ज़िंदा हो और उसको वो बुला रहा हो. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a milk for your bean sauce. तो जब रात वो वहाँ से चला गया, रात में वो जाकर अपने घर पे जाकर सोया, तो उसका डॉग की जो आत्मा थी वो उसके सपने में आई और उसने बोला कि वो जो पाइन ट्री है जहाँ पर जो मेरी कब्र है उसके पास जो पाइन ट्री है तुम उसे काट दो और उसकी एक ओखली बनाओ जिसमें कि तुम अपने राइस को पीसते हो और जो बीन सॉस है उसके लिए चक्की बनाओ जिसमें कि तुम उसको सॉस को बनाते हो. ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग द लेसन हियर, वी विल स्टडी द इट आफ्टरवर्ड्स. थैंक यू and take care.